वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने जा रहा है, बिकॉज आज के व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दिल्ली की सबसे फेमस स्ट्रीट फूड्स, जो कि अपने आप में ही काफ़ी फेमस है। ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं खिलाते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखो हमारी 10 में से 9 देंगे आप, तो भैया फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। आपको हर जगह मिल सकती है, पर एक चीज ऐसी है जो यहाँ पे ही मिलेगी आपको, जो मेरे लिए भी शॉकिंग था। तो चलिए हम मिलते हैं मालिक से और क्या बोलता है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको, उनसे बात किया जाए। हाय भाई, क्या नाम है आपका भैया? विशाल नाम है। तो भैया आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो बिजनेस है फूड का, तो पब्लिक रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? मिल रहा है। मेरे फेवरेट तो स्प्रिंग रोल हैं, तो हम लोग स्प्रिंग रोल ट्राई करेंगे। बाकी हम ट्राई करने वाले थे कुरकुरे मोमोज भी, पर जैसा कि भैया के यहाँ बहुत फेमस है वो, तो खत्म हो चुके हैं गाइस, वो हमें नहीं मिले हैं। तो क्या कर सकते हैं, कम स्प्रिंग रोल ही ट्राई करते हैं। चलिए तो आइए चलिए एक रिव्यू लेते हैं शॉप के बारे में कि कैसा लगता है लोगों को और कब से आ रहे हैं लोग। कितना आपको इनके यहाँ का फूड? भाई टेस्ट है काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एज पर प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है। तो आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे? अभी तो हम कई बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई करी हैं, अलग अलग मलाई मोमोज हो गए, कुरकुरे मोमोज हो गए और तंदूरी मोमोज हो गए, सभी का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। सही है, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं जो अभी आ ही रहे हैं, ऑर्डर कर चुके हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं कैसा लग रहा है इनका टेस्ट। तो भैया कैसा लग रहा है आपको स्प्रिंग रोल? आप स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, आप वैसे इसका आपका फेवरेट क्या है आपके यहाँ पे? मलाई चाप। मलाई चाप पसंद है। और स्प्रिंग रोल अभी है नहीं तो? अच्छा, मलाई चाप खत्म हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 8:30 बज रहे हैं और मलाई चाप इनकी इतनी फेमस है ये चीज़ कि ये सब खत्म हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी मैंने परसों यहाँ पर स्प्रिंग रोल अच्छे हैं यहाँ के, और ख़ासकर इसके कुरकुरे मोमोज वो ज़्यादा क्रंची हैं, टेस्ट करने चाहिए भैया सब सबको आपको। ये हमने 11 में पड़ती है सब, और बाकी अभी स्टार्ट हुई है, नई खुली है, तो धीरे धीरे सब कुछ टेस्ट करेंगे। बाकी भी 2 आइटम्स खाए मैंने भी, स्प्रिंग रोल और कुरकुरे मोमोज, तो बेस्ट है। हाइजीनिक के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हाइजीनिक के बारे में तो मैं इसको 10/10 दूंगा। यहाँ पर और भी मार्केट्स में शॉप्स हैं तो उसको देखते हुए, या क्योंकि अभी न्यू भी है तो इसलिए भी थोड़ा सा हाइजीनिक चल रहा है और अच्छा है, मतलब ओवरऑल पूरा रिव्यू मुझे इसका अच्छा लगता है। सो गाइस, ये अभी हमारे साथ रवि शर्मा भैया हैं, जो कि यही कॉलोनी में रहते हैं आसपास शॉप के ही। एक बार इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आए हैं कैसा लग रहा है और यहाँ का फेवरेट इनका क्या है। भैया मुझे आप बताइए कि अभी क्या खा रहे हैं आप? सर आपका फेवरेट क्या होगा यहाँ? फेवरेट है 10 में से 9 देंगे आप, तो भैया फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और 10 में से 9 दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, इसी तरह से जान सकते हैं। थैंक यू भैया, आप इंजॉय कीजिए। यहाँ पे किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ से हम लोग एंट्री मिलेंगे। सो गाइस, फाइनली हम किचन में अब मिल रहे हैं इस पूरे शॉप की जान, जो कि हमारे मास्टर शेफ। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम है शेफ महेश जायसवाल।
सुबह जैसा कि मैंने अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मुझे पता बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैंने जब बाहर जितना भी रिव्यू लिया तो मैंने सुना कि दुनिया बेस्ट भी है ड्रैगन मोमोज, पर जो फूड एक्सप्रेस में मिल रही है उसकी कुछ अलग खासियत है, तो हम बस वही जानना चाहते हैं कि उसकी क्या खासियत है। जो हमारा फूड एक्सप्रेस का जो मेन फेमस डिश है वो है ड्रैगन मोमो जी। ड्रैगन मोमो चाहे आप वेज का हो, पनीर का हो या सोया का हो, ठीक है। तो हमारा जो वैसे दुनिया में तो जो ड्रैगन मोमो का जो कोडिंग चलता है उसमें कॉर्नफ्लेक्स यूज करते हैं हम, कॉर्नफ्लेक्स यूज नहीं करते हम, पैन को ब्रेड क्रम यूज करते हैं, जो कि स्टीम मोमो होता है, स्टीम मोमो को हम बैटर में जो बैटर बनाते हैं एक लिक्विड बैटर बनाते हैं उसमें उसको डिप करके और उनको कॉर्नफ्लोर में उसमें पैन को ब्रेड क्रम होता है उसमें हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद उसको हम क्रिस्पी डीप फ्राई करके निकालते हैं, और क्रिस्पी डीप फ्राई करने के बाद जो है हम हमारा एक मसाला बनता है जिसमें हमारा ये गार्लिक होता है, जिंजर होता है और चॉप अनियन और बेल पेपर होता है, और इसमें सीजनिंग हमारा मसाले में हो गया, केचप हो गया, चिली पेस्ट हो गया, और कुछ हमारा चैली सीजनिंग होता है, कुछ हमारा सीक्रेट मसाला होता है इसमें, वो सीक्रेट मसाला पे हमारा वो काम करता जाता है, ठीक है सर। और सीक्रेट मसाला मैं बताता हूँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सीक्रेट मसाले में क्या, वो है भैया कि आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार है, आप कस्टमर के हमारे जो फीडबैक है उनका जो फीडबैक, तो वो जो फीडबैक देके जाते हैं अच्छा और एक्सीलेंट जो देके जाते हैं उससे हमारा पसंद और बढ़ता है और हम बेटर करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब लॉकडाउन के बाद भैया ने कोरोना होने के बाद सबका बिजनेस डाउन हो गया है, अंदर जाके शॉप खुली है, उसके बाद मुझे यहाँ पे इतना क्राउड देखने को मिला, तो लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ भीड़ दिखी वहाँ आगे वैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। भैया थैंक यू, आपने तो इतना सब कुछ बताया, आगे आप फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, और इस ऑर्डर में जितनी भी चीज़ मिली है वो आपको हर जगह मिल सकती है, पर एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे ही मिलेगी आपको जो मेरे लिए भी शॉकिंग था, वो क्या है? हाथ की सफाई, हैंड सैनिटाइजर। तो पहले इसको यूज़ कर लेते हैं, कैमरा बहुत गर्दर घुमाया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको यहीं मिलेगा फूड एक्सप्रेस। तो चलिए इसके साथ करते हैं अब इतना स्टार्ट, हमने क्या ऑर्डर किया है, चिली पटेटो, और इसका टेस्ट कैसा है? मतलब इसके लिए तो वर्ड ही नहीं है यार, इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी चिली पटेटो मैंने तो नहीं खाया आज तक। चिली पटेटो तो बहुत खाए हैं दिल्ली में, पर ऐसा चिली पटेटो तो मैंने नहीं खाया। चिली पटेटो में खाने का भी स्वाद आ रहा है और स्वीट जो है उसका तो अलग ही स्वाद आ रहा है। तो चलिए अब करते हैं स्प्रिंग रोल को ट्राई, अब मेयोनीज की डिप्स के साथ हम उसको ट्राई करेंगे। यार मजा आ गया, अभी तक मैंने इसका ट्राई नहीं किया था एक बार भी, पर आज ट्राई किया तो मजा आ गया। अल्टीमेट टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा फूड एक्सप्रेस के यहाँ जरूर आए, काफी क्रिस्पी और काफी डिलीशियस आपको यहाँ पे इसे मिल सकता है चाइनीज फूड। तो हम करते हैं खाना एंजॉय, आप कीजिए वीडियो एंजॉय, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके बाय।